और अब उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप, और अब बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं। 7000 के पार का एक बजट का ऐलान किया गया है और करोड़ों रुपए का ये बजट तैयार किया जा रहा है सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए, और वर्चुअल तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये सौगात दी। 7476 करोड़ की ये रकम बताई जा रही है परियोजनाओं की सौगात के लिए। गोरखपुर से के सर्किट हाउस स्थित एनएक्सी भवन सभागार में कार्यक्रम किया जाएगा और सड़क संबंधी योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए और लोकार्पण कार्यक्रम भी आयोजन किया जाएगा। उपस्थित माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेश के माननीय सांसदगण, प्रदेश शासन के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित विभिन्न समारोहों में प्रदेश के हमारी सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले सड़क परिवहन राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज का समय उन्होंने कोरोना कालखंड में भी प्रदेश के राजमार्गों की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में जो प्रयास विगत 6 वर्षों से उन्होंने प्रारंभ किया है, आज उसकी एक झलक 7477 करोड़ रुपए की। और कल वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। 6 घंटे तक वाराणसी में ही सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और जायजा लेंगे। 30 नवंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा बताया जा रहा है, जिसके तहत कल सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हो रहे हैं और साथ ही 6 घंटे तक वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। देव दीपावली की अलौकिक छठा देखने के लिए पीएम मोदी का दौरा 30 नवंबर को बताया जा रहा है। विश्वनाथ धाम और सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे पीएम मोदी और साथ ही एक जनसभा को भी वहां पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और इसी के तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी का दौरा करने वाले हैं और ये वाराणसी का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है कि 6 घंटों के लिए वो वाराणसी में रहेंगे और पीएम मोदी 30 नवंबर को आने वाले हैं और इसी के तहत वो जायजा लेने जा रहे हैं। प्रयागराज में 6 लेन पुल का भूमि पूजन किया गया, जिसके तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूजन में शामिल हुए और फाफामऊ में गंगा नदी को क्रॉस करेगा पुल। 1948 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनाया जाएगा और आज भूमि पूजन करवाया गया है और इस भूमि पूजन के तहत केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। प्रयागराज से लखनऊ चित्रकूट तक होगी बेहतर कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी को ही बनाए रखने के लिए प्रयागराज से लखनऊ और चित्रकूट के बीच में ये कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। 1948 करोड़ की रकम बताई जा रही है, इस पुल को बनाने में ये रकम इस्तेमाल की जाएगी। और प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को झटका लगा है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला खान को झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी दाखिल की गई थी आजम खान के तरफ से, जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को एक झटका देते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 19 नवंबर को ही फैसला कर लिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था और अब इस बात का ऐलान हो गया है कि जो याचिका दायर की गई थी जमानत के लिए, उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
और साथ ही इस फैसले को 19 नवंबर के बाद से सुरक्षित रखा गया था। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर आधार पैन कार्ड पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा था आजम खान और उनके बेटे पर, जिसके तहत गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे और उसके बाद से जमानत याचिका दायर की गई थी आजम खान और उनके बेटे की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 नवंबर को इस पर फैसला तो सुना दिया था, लेकिन ये फैसला अपने पास ही सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद से आज ये फैसला बताया गया है और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए आलोक मालविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है। आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजम खान और उनके बेटे के इस याचिका को खारिज कर दिया गया और अब इन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। जी देखिए, जिस तरह से आजम खान के खिलाफ प्रदेश सरकार बराबर कार्रवाई कर रही है जी, उसी के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट वो आए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट आने के साथ उन्होंने जो अपने डबल उन्होंने आधार कार्ड बनाया था, डबल उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनाया था, इस बात को लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के साथ ही उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई थी। इसी से बचाव के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबी बहस चली। बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जजमेंट को सुरक्षित कर लिया था बहस के बाद, और आज जब उसका जजमेंट खुला है तो जो इनके सांसद हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी, उस पर रोक लगाई गई है। तो कुल मिलाकर आजम खान को बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिला है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद आजम खान अब आगे क्या कदम उठाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा उनके अधिवक्ताओं ने इशारा किया है। जी यानी ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से आजम खान के तरफ से एक और कदम लिया जा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दाखिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनके वकीलों का कहना है कि हम लोगों ने बड़ी अच्छी बहस की और सार्थक बहस की थी और बहस करने के बाद जो सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान है उनको भी बड़ा झटका लगा है और उनके अधिवक्ताओं ने इस तरह की इशारा किया है कि हम इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अपील करने के बाद उस वहां पर बहस करेंगे और हमको ऐसा लग रहा है कि हमें आजम खान के परिवार को राहत मिल जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका ये तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। और गाजियाबाद में लोनी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने जिला प्रशासन को धमकी दी है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एसडीएम को अल्टीमेटम दिया है और लोनी क्षेत्र में अवैध मीट का कारोबार चल रहा था, जिसके तहत नंदकिशोर ने यह धमकी दी है। मीट के अवैध कारोबार को जिला प्रशासन बंद कराए। नंदकिशोर ने खुलेआम तौर पर यह कहा है कि जो मीट का अवैध तरीके से कारोबार किया जा रहा है उसे प्रशासन की तरफ से बंद करवाया जाना चाहिए। मीट के कचरे से हिंडन एयरबेस और हवाई पट्टी के पास पक्षी विचरते हैं और एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने का लगातार खतरा बना रहता है। और नंदकिशोर ने एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने का लगातार जो खतरा बना रहता है उसको देखते हुए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जो अवैध मीट की बिक्री होती है उसे प्रशासन को बंद करना चाहिए। और प्रशासन अवैध मांस के कारोबार को बंद नहीं कर सकता तो हम सक्षम है, बीजेपी और संगठन के लोगों ने नहीं पहनी हुई है चूड़ियां। नंदकिशोर ने साफ तौर पर यह धमकी देते हुए कहा है कि बीजेपी और संगठन के जो लोग हैं उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। अगर प्रशासन इसमें फेल होता है और उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और मीट के जो अवैध कारोबार को है उसे बंद अगर नहीं किया जाता तो फिर वो खुद सक्षम है और इस पर कार्रवाई करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने ये कहा है कि बीजेपी या संगठन ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, तो आप साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं प्रशासन को? नहीं, चूड़ियां तो नहीं लिखा मैंने जी, उसमें चूड़ियां कहां लिखा है जी। आपके तरफ से अल्टीमेटम तो दिया गया है प्रशासन को? अल्टीमेटम तो हम बताते रहते हैं कि भाई अधिकारी जो है अपनी हैसियत में रहें और काम करें जिस काम के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है जी। तो यानी लॉनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई भी मांस की दुकान मांसाहारी होटल नहीं हो सकता। तो मेरे को ये जानकारी आई है कि कई जगह पे जो दुकानें खोली गई हैं और चोरी छुपे उनको चलाया जाता है, तो पूरी तरह से लॉनी के अंदर मांस की एक दुकान ना हो, कोई मांस का होटल ना चले, ये राष्ट्र के लिए भी जरूरी है और लॉनी के वातावरण के लिए भी जरूरी है। तो उनको हमने बताया और मुझे उम्मीद है वो कार्रवाई करेंगे।
और नहीं करेंगे तो ये बात सही है, फिर हमें जनता ने चुना है, जवाबदेही हमारी है, तो हम जनता की भावना के अनुसार फिर अपने आप कार्रवाई करते ही और करेंगे भी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर योगी सरकार के फैसले से डीजे संचालकों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। संगम नगरी में 8 महीने के बाद डीजे बजना अब शुरू होगा। संगम नगरी के डीजे संचालकों ने अपने डीजे को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। कोविड नियमों का पालन करते हुए डीजे रोड लाइट पर पालन करना होगा और डीजे संचालकों ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हम लोग 8 महीने से बेरोजगार थे और योगी सरकार ने अब फिर से डीजे को शुरू कर दिया है। 8 महीने से हम लोग बेरोजगार थे, हमारे सारे कारीगर और जितने हमारे यहाँ स्टाफ हैं सब बेरोजगार थे और 8 महीने बाद अब हम लोगों का रोजगार फिर से शुरू हो गया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। शादी ब्याह समारोह में इन्होंने परमिशन दे दी है डीजे बजाने की, इसलिए हम लोग अब बहुत खुश हैं, हम लोगों का सारा काम चालू हो गया है। और हम लोग और कानपुर में कमिश्नर राजशेखर ने कानपुर कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका और दस्तावेजों को भी चेक किया है। मुख्यमंत्री और शासन की शिकायतों के निस्तारण को फाइलों की परखा जा रहा है और इस दौरान जिला अधिकारी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और शासन की शिकायतों पर ही दस्तावेजों को चेक भी किया जा रहा है, इस दौरान जिला अधिकारी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। कानपुर में कमिश्नर राजशेखर ने कानपुर कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया है, जिसके बाद से कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका और दस्तावेजों को परखा गया है, चेक किया गया है। मुख्यमंत्री और शासन की शिकायतों के बाद ही निस्तारण फाइलों को भी चेक किया जा रहा है। मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है और बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर हर दिन 300 से 400 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। आप बताना चाहेंगे कि जो वैश्विक महामारी थी कोरोना, इसमें जो है आपने किस तरीके से लोगों के बीच जाकर किस तरह से सहयोग किया, जनता के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपने किए? देखिए ऐसा है, महामारी अभी ख़त्म हुई नहीं है, ये हमारे बीच में है और आगे भी रहेगी, बस इससे लड़ने की तैयारी और मजबूती के साथ हम लोगों को अपना स्वस्थ रहना पड़ेगा। हमने जब लॉकडाउन का समय था उस समय पर रोज़ाना लगभग 350-400 लोगों को अपनी तरफ से स्वरूप फाउंडेशन की तरफ से खाने का बंदोबस्त करते थे, किसी के लिए पूरे खाने की जो सामग्री होती है रॉ मटेरियल उसका घर तक पहुँचाने का काम किया हमारी संस्था ने, और मैंने अपनी तरफ से जिला पंचायत के 1,21,00,000 रुपए सरकारी खाते में माननीय योगी जी को दिए। अपनी तरफ से मैंने 1 महीने की अपना जो वेतन था वो प्रधानमंत्री जी के खाते में योगदान किया और अपने समस्त अधिकारी और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन अपने जिला प्रशासन के खाते में दिया। जहाँ जहाँ किसी भी व्यक्ति को कैसी भी अगर किसी सामग्री की या किसी चीज़ की जरूरत पड़ी वो उन तक पहुँचाने का कार्य करा, कई लोगों को अपने वाहन से उनके घर तक पहुँचाने का काम करवाया, और अभी भी किसी को जरूरतमंद को अगर जरूरत होती है तो उस चीज की जो जरूरत है उस तक पहुंचाने का हम काम करते हैं, ये हमारी कोशिश है। जैसे कि वैश्विक महामारी के कारण सभी विकास की योजनाएं लगभग ठप रही है अभी, तो जैसे जैसे देश कोरोना से उभर रहा है तो आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? अभी फिलहाल में लगभग जिला पंचायत की तरफ से 70-80 करोड़ के पूरे जिले भर में लगभग हमारे 750 से ज्यादा गाँव हैं, उसमें हम अपना काम कर चुके हैं और हमने एक DPRC की जो पंचायत राज की एक बिल्डिंग बनवाई है, एक पांचली खुर्द में अपनी तरफ से खेलो इंडिया के माध्यम से जिसका मैं चेयरपर्सन था अपने माध्यम से वहाँ एक मिनी स्टेडियम का भी निर्माण कार्य अभी चल रहा है और ऐसी कई चीज़ें हैं जो अपनी तरफ से हमने प्रयास करा कि वो कराई जाए। जिला पंचायत का नया कार्यालय भी बनवाया और अभी भी कार्य लगभग चालू हैं विकास कार्य के गाँव देहात में, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लिंक रोड हैं संपर्क मार्ग उनको हम अच्छे से बना सके ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा बनी रहे और किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद कुलविंदर जी हमारे साथ जुड़े। और ग्रेटर नोएडा में थाना इकोटेक पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर बताए जा रहे थे ये चारों और इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, पुलिस ने कब्जे से चोरी करने के उपकरणों को बरामद किया है। दरअसल 4 आरोपी बताए जा रहे हैं जो काफी लंबे वक्त से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
और सिद्धार्थनगर में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला को मारने वाले उसके सास और ससुर है। महिला ने ससुर पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। गुस्साए सास ससुर ने पीड़िता के साथ जमकर बर्बरता की है। पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद ही हरकत में अब पुलिस नजर आ रही है। मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। हम 5 बजे भोर में उठे हैं। हमारे साथ हमारे ससुर ने छेड़खानी करे थे तो हम कहीं हल्ला कर दी तो हमारे मुँह पकड़ ली है। झटक के पाने घर में गए हैं तो सवेरे के गाली दे हैं तो कहते खींच के मार लो तो हमें मारे हैं। ये पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सिद्धार्थनगर की पुलिस द्वारा ग्राम पटनी जंगल की पीड़िता से तहरीर ले करके उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर लाठी डंडों से पीटकर एक वृद्ध की हत्या कर दी गई है और इस वृद्ध की हत्या करने वाले उसके भाई और भतीजे खुद है। जमीनी विवाद को लेकर के वृद्ध की हत्या की गई है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। सिरसा गंज थाना क्षेत्र के जायमई गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक वृद्ध को पीटकर हत्या कर दी गई। उनके भाई बड़े वाले ने सुरेश ने और उनके भतीजे प्रवीण और सुनील और उमेश और उमेश की पत्नी रमलेखा, तुम्हें मालूम है कुछ क्या देना है? इन्होंने मारा साहब, फावड़े से बल्लमों से मारा साहब। उस वो ग्राम सभा की जगह थी, वहाँ प्यार रख दिया इसलिए मारा। मुजफ्फरनगर में बस में सवार एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पास में बैठे शख्स ने ही गोली मारकर हत्या की है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नई मंडी थाना क्षेत्र के गोपा रोड की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर एक बस में एक युवक सवार पर एक पास ही बैठे शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी है। राधेश्याम नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मोरना के रहने वाले हैं। ये बस मुजफ्फरनगर शहर की तरफ आ रहे थे। कोई नहीं कि बस में व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके द्वारा इनको गोली।